भाई के हाथ में सारी राखी बन चुकी हैं। यहाँ पे सुषमा दीदी कर रही है भाभी को टीका, गौरी के मामा ले रहे हैं गौरी से आशीर्वाद, और यहाँ पर नीता दीदी बांध रही हैं इनको राखी। स्वस्थ रहिए। वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं आ गई अपने मायके। ये मेरे मायके का पूजा वाला रूम है और आज है रक्षाबंधन। तो मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों में प्यार हमेशा बना रहे, हमेशा साथ रहे, अपनापन रहे, यही मनोकामना है मेरी और यही आशीर्वाद मुझे भी चाहिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ राखी बांधने, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टाइम है वो हो ही गया है। जैसे कि सबको पता गया है मॉर्निंग का मुहूर्त था, तो मैं जल्दी से आ गई थी यहाँ पर। तो बस राखी बांधते हैं और जो भी होगा आपके संग शेयर करूंगी। ठीक है, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो बस सब लोग आ गए थे पूजा वाले रूम में ही और सब तैयार थे राखी बांधने के लिए। तो सबसे पहले हमारी बिटिया रानी बांध रही है अपने भाई बॉबी को राखी और उसकी उतारें आरती। उसके बाद नीता जी ने बांधी भाई को राखी और इसी तरह से वन बाय वन हम सब लोग बांधेंगे। और पहले हमारे यहाँ एक रेशम के धागे वाली राखी बांधते हैं, फिर ये वाली दीदी ने ये राखी बांधी है। अब आ गई है मेरी बारी। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी भाई को तिलक जो कि रोली का होता है। उसके बाद उसमें अक्षत लगाते हैं और अक्षत को सर पे थोड़ा छिड़कते हैं। तो वही है, यहाँ पे गौरी क्लिप्स ले रही थी तो वही मैंने उसको बोला कि अच्छे से बटा ले लेना। और इसके बाद कान पे दोनों सुजियाँ रखी जाती हैं जो कि नागपंचमी के दिन मैंने आपको दिखाया था ना, गेहूँ बॉयल किए जाते हैं उसी को बोया जाता है, तो उसी से इतने बड़े जग आते हैं। ये हमारे यहाँ ज़रूर रखा जाता है रक्षाबंधन के दिन। तो इसको रखने के बाद अब मैं बांधूंगी भाई को राखी। और जैसे कि मैंने बताया पहले एक रेशम का धागा होता है, वो रेशम की राखी बोलते हैं उसको, वो बांधते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद जो राखी होती है मेन वो बांधते हैं। तो हम सब लोग पहले ऐसी वाली राखी बांधेंगे प्लेन, उसके बाद जो भी राखी सेलेक्ट की है हमने अपने भाई के लिए वो बांधेंगे। तो ये राखी मैंने सेलेक्ट की थी, इस पर ओम लिखा हुआ है और भाई को भी ये अच्छी लगी क्योंकि पिछली बार भी जो है बांधी गई थी उनमें से एक कुछ मिलती जुलती थी। सो कोशिश यही रहती है कि राखी ऐसी हो जो भाई को भी अच्छी लगे और जिसका कुछ मतलब हो, कुछ पूजा पाठ से संबंधित हो, तो इसीलिए। और उसके बाद ये राखी जो दूसरी में बांध रही हूँ, ये बांध रही हूँ भाभी की, क्योंकि भाभी को बस आने में कुछ मिनट बाकी थे और यहाँ पे शगुन का जो टाइम होता है शुभ मुहूर्त वो निकल रहा था। तो मैंने सोचा भाई के यहाँ पे बांध देती हूँ, फिर जब भाभी आ जाएंगी तो ट्रांसफ़र कर दूंगी मैं, इस तरह से मुहूर्त में बांध देती हूँ। तो यहाँ पर मैं राखी दिखा रही थी आपको, अच्छी लग रही है ना। और इसके बाद कराना है भाई का मुँह मीठा, तो भाई की फेवरेट जो गुलाब जामुन है मिठाई वो मैं लेकर आई हूँ। सब कोशिश यही करते हैं कि सब डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाएँ जब तीन चार बहने हैं। तो उसके बाद पिला रही हूँ पानी, तो मिठाई खिलाने के बाद पानी पिलाना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद करूँगी भाई की आरती। आरती करने का मतलब ये भी है कि जो उसकी अलाएँ बलाएँ हैं, जो भी उसकी दुख तकलीफ़ है, सब वो हट जाएँ और मेरा भाई सुखी स्वस्थ रहे हमेशा के लिए। और उसके बाद अब भाई हमारे पैर छू के हमारा आशीर्वाद लेगा, क्योंकि भाई हम सब बहनों से छोटा है इसलिए, और हम उसे आशीर्वाद देंगे। इसके बाद आ गई सुषमा दीदी जो कि तिलक लगाएंगी और सुजिया रखेंगी, जो सारी चीज़ें होती हैं वो करेंगी, राखी बांधेंगी और उसके बाद आरती उतारेंगी, मिठाई खिलाएंगी, पानी पिलाएंगी। इस तरह से सब करके एक एक बहनें आएंगी और भाई को राखी बांधती जाएंगी, और भाई के हाथ में ना राखी ज़्यादा होती जाएंगी और बहुत अच्छा लगता है। और मेरा भाई राखी को अच्छे से संभाल के भी रखता है। सो इसी तरह से, और दीदी लाई थी खोए की मिठाई शायद भैया के लिए, तो इस तरह से भाई ने दीदी का भी आशीर्वाद ले लिया है। अब आ गई है हमारी गौरी बिटिया। गौरी अपने मामा को राखी बांधती हैं, मेरी बुआ भी हमें राखी बांधती थी, और बहुत से रिश्ते होते हैं सिर्फ भाई बहन का नहीं है जिसमें राखी बांधते हैं। तो इसी तरह से गौरी भी राखी बांधेंगी और अपने मामा को मिठाई खिलाएंगी, पानी पिलाएंगी। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना दिखाना भूल गई कि पानी जब पिलाते हैं ना तो फिर अपना जो पल्लू होता है आँचल होता है उससे पोंछते हैं। ये देखिए गौरी यहाँ पर कर रही है। तो अब बारी आ गई है भाभी की। तो सबसे पहले नीता दीदी कर रही है भाभी को टीका और उसके बाद बांधेंगी राखी। तो सभी लोग भाभी के लिए भी राखी लाए थे। इस तरह से देखिए भाभी की राखी है, मिठाई खिला के पानी पिलाना, इस तरह से आरती उतारना, क्योंकि भाई भाभी को साथ ही में करते हैं हर बार। पिछली बार आपने देखा होगा, इस बार थोड़ा सा दो चार मिनट का फर्क हो गया था। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, आप सुषमा दीदी कर रही है भाभी को टीका। मेरा ये मानने में सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारी है, ये अच्छा लगता है। इस तरह से त्यौहार के दिन सब इकट्ठा हो जाते हैं और भाभी का हाथ भी राखियों से लगभग भर गया था, तो काफी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ दीदी आशीर्वाद दे रही है भाभी को। सो अब आ गए हैं मेरे हस्बैंड जी। तो नीता दीदी मेरे हस्बैंड को राखी बांधती हैं, उनको भाई मानती हैं। तो यहाँ पे उनके लाई थी सिल्वर की राखी, एज यू ऑल कैन सी, बहुत ही प्यारी राखी थी। और सिर्फ इसलिए नहीं कि सिल्वर की थी, बट इसमें दीदी का प्यार था और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा, और वो भी दीदी को बस अपनी दीदी जैसा ही मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं मेरी दीदियों का। और यहाँ पे खिला रही है दीदी को उनको मिठाई। अब आ गई है गौरी भी अपने मौसा जी को राखी बांधने, क्योंकि शुरू से ही वो बांधती आ रही है, मतलब नीता दीदी भी और गौरी भी शुरू से ही, जब से मेरी शादी हुई है वो राखी बांधते आ रहे हैं जब भी वो यहाँ लखनऊ में अवेलेबल होते हैं। तो बस अपने मौसा जी का भी उन्होंने मुँह पोछ दिया पानी पिलाने के बाद। एंड फाइनली अब बारी आ गई है आपकी रचना पैराडाइज की, रचना की।
सो अब मैं कर रही हूँ अपने भाभी को टीका और बांधूंगी उन्हें राखी। और यहाँ पे वीडियो फोटो लेने की जिम्मेदारी मैंने गौरी को दे रही थी और उसको बोला था कि प्लीज़ बेटा अच्छे से करना और सब अच्छे से आना चाहिए और हम अच्छे भी आने चाहिए। सो यहाँ पे मैं राखी ले आई हूँ जो मैंने भाभी के लिए परचेज की थी और भाभी को ये राखी बहुत पसंद आई। मतलब जो भी सबने पसंद की थी सारी राखियाँ भाभी को अच्छी लगी। टाइट नहीं ली है ना। हाँ, और अगर आप किसी के लिए कोई चीज़ लेते हो और उसको पसंद आ जाए तो बहुत खुशी होती है सच में। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी भाभी इन सुंदर सुंदर राखियों के साथ। और अब मैं करा रही हूँ भाभी का मुंह मीठा और उसके बाद पिलाऊंगी पानी। स्वस्थ रहिए, सबका ख्याल रखिए। सो एट लास्ट गौरी मुझे राखी बांध रही है। उसको अच्छा लगता है, जब से हम लखनऊ शिफ्ट हुए हैं 2-3 साल हो गए हैं तब से वो मुझे राखी बांधती है और उसे अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ मैं अपने भाई से कुछ बात कर रही थी और ऐसी कुछ बात हो रही थी जनरली, फिर मैंने उसको अपनी मेहंदी दिखाई कि देखो भाई मैंने हैप्पी रक्षाबंधन लिखा है इस बार डिज़ाइन के बदले। तो बोला अच्छा है अच्छा है। तो आप लोगों ने नोटिस किया था कि नहीं पहले? अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब गौरी मुझे वो रेशम की डोरी बांध रही है क्योंकि वो बांधना हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मिठाई खिलाई, पानी पिलाया और बस फोटो क्लिक कराई और मैं उससे पाँव छूकर आशीर्वाद दूंगी क्योंकि हमारे यहाँ कन्या के पाँव छूते हैं। और ये है ब्लैकी जिनको भी राखी और टीका किया गया है। और ये है सिवई, हमारे यहाँ रक्षाबंधन में सिवई ज़रूर बनती है। तो बहुत दिन से अपने घर की सिवई खाई भी नहीं थी तो मैंने दीदी से कहा तो दीदी ने बना दी और बनती है। आज के दिन शगुन होता है और नाश्ते में सुबह, क्योंकि सुबह का टाइम था तो फिर पैटीज़ और इडली आ गई थी क्योंकि काफ़ी मतलब 7:05 या 10 मिनट तक ही मुहूर्त था। और बस उसके बाद फिर आलता दीदी ने मेरे पाँव में लगाया तो मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं घर से लगा कर नहीं जा पाई इतनी मॉर्निंग, मतलब 5 बजे उठी फिर भी लेट ही हो गया था। मैं आ गई हूँ अपने घर वापस और हालत कैसी हो रही देख सकते हैं। और ज़्यादा टाइम मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा जल्दी में थी। तो एनीवेज जो भी है आपने ये रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग अब तक देख लिया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल लक्षणा पैराडाइज। आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।